हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिक्स सेमेस्टर एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम के टॉपिक, जो कि है मोबाइल कम्युनिकेशन। ओके स्टूडेंट्स, मोबाइल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे आपकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे स्टूडेंट्स, सेल्युलर कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेल्युलर कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसमें एक गिवन एरिया को, एक गिवन रीजन को, सपोज कीजिए आपका शहर है, उसे हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये आपका शहर है। ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, इस शहर को, इस टाउन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फिर उससे क्या पॉसिबल हो, उससे ये पॉसिबल हो कि जो मोबाइल एंटीना रहती है, मोबाइल टावर होती है, उससे ट्रांसमिशन इजिली हो पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम इसे किस शेप में, किस ज्योमेट्रिकल शेप में इस गिवन रीजन को डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है स्टूडेंट, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर और हेक्सागॉन। ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप है, हमें इसमें से चूज करना है कि हम कौन सा चूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, सपोज कीजिए हम सर्कल चुनते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट हमने सर्कुलर रीजन चुना, तो सर्कुलर रीजन में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, बीच में क्या है, बीच में थोड़ी सी गैप हो जाती है, जो कि ट्रांसमिशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाए, नहीं हो पाता है। ओके, तो हम सर्किल नहीं चुनते हैं। अब इस तीनों में हम देखेंगे जो एरिया ऑफ हेक्सागॉन है, एरिया ऑफ हेक्सागॉन इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ग्रेटर देन एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस रीजन की वजह से हम चुनते हैं हेक्सागॉन को। तो गिवन रीजन को हम लोग किस साइज में डिवाइड करते हैं, हेक्सागॉन साइज में डिवाइड करते हैं। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हेक्सागॉन साइज में जो गिवन रीजन को हमने डिवाइड कर दिया, एक गिवन रीजन को हमने हेक्सागॉन साइज में डिवाइड कर दिया, ये जो हेक्सागोनल शेप है इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट सेल। ये क्या होता है, सेल होता है। तो सेल समझ गए क्या है स्टूडेंट, सेल एक गिवन रीजन का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हेक्सागोनल शेप में है। ओके, अब हम देखते हैं आगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज कीजिए ये आपका शहर है, कोई भी गिवन रीजन है, और इसे हमने क्या कर दिया, हेक्सागोनल सेल्स में डिवाइड कर दिया है। ये क्या है, सेल्स, सेल्स। ओके, तो ये था सेल्यूलर कॉन्सेप्ट। अब हम जानेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे है स्टूडेंट्स। तो जो आपके पास मोबाइल है, जो हैंडसेट है, उसे हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के लैंग्वेज में बोलते हैं मोबाइल स्टेशन। वो क्या है स्टूडेंट, वो है मोबाइल स्टेशन। ओके, आपने देखा होगा मोबाइल टावर, तो हर सेल के अंदर एक टावर होता है। हर सेल के अंदर क्या होता है, जो हेक्सागोनल सेल है, सेल के अंदर एक टावर होता है। टावर तो इसका नॉन टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम है BTS। BTS को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। ओके स्टूडेंट, तो जो टावर है उसका टेक्निकल नाम है बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। तो जब मोबाइल फोन से हम कहीं कॉल लगाते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, उस सेल के टावर के पास, उस सेल में जो टावर प्रेजेंट है उसके पास जाती है। टावर को क्या कहते हैं, BTS, बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन। फिर जो बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है वो सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करता है BSC के पास। BSC होती है स्टूडेंट बेस स्टेशन कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर, ये है क्या, BSC। तो ढेर सारे BTS से सिग्नल कहाँ जा रही है हमारी, BSC के पास। ओके, अब BSC इसे आगे कहाँ फॉरवर्ड कर देती है, MSC के पास। MSC होती है स्टूडेंट मोबाइल स्विचिंग सेंटर। MSC क्या है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। तो ये इसकी हायरार्की है, मोबाइल स्टेशन से जा रही है BTS के पास, BTS से जा रही है BSC के पास, BSC से जा रही है MSC के पास। तो कॉल का ये आधा प्रोसेस हो गया। अब ये MSC क्या करेगी स्टूडेंट, MSC किसी दूसरे MSC को सेंड कर देगी जिस एरिया में आप कॉल लगाना चाहते हैं। MSC क्या करेगी, दूसरे MSC को सेंड करेगी,
और ये एमएससी दूसरे बीएससी को सेंड करेगी, ओके। ये दूसरी बीएससी दूसरे बीटीएस को सेंड करेगी और दूसरी बीटीएस आपके दूसरे एमएस यानी कि मोबाइल स्टेशन पे जाएगी। इस तरह से आपका कम्युनिकेशन साइकिल पॉसिबल हुआ यूजिंग मोबाइल कम्युनिकेशन। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एमएस से जाती है बीटीएस के पास, बीटीएस फॉरवर्ड करती है बीएससी के पास, बीएससी फॉरवर्ड करती है एमएससी के पास, ओके। अब ये एमएससी किसी दूसरे एमएससी के पास फॉरवर्ड कर देती है, वो फिर दूसरे बीएससी के पास, दूसरे बीटीएस के पास और दूसरे मोबाइल स्टेशन के पास, और ऐसे कॉल क्या हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ओके स्टूडेंट्स। ओके ये था। अब इसमें हम एक और चीज़ जानेंगे, सेल का कॉन्सेप्ट है वो, जिसे हम कहते हैं माइक्रो सेल। एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट माइक्रो सेल। माइक्रो सेल का मतलब ये होता है, कोई भी एक गिवन सेल है उसे हम एक और छोटे से सेल में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये एक माइक्रो सेल क्या है, किसी भी गिवन सेल को एक छोटे सेल में डिवाइड कर देने को, ये फेनोमेनन को हम कहते हैं माइक्रो सेल। माइक्रो सेल का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब ट्रैफिक ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा किसी रीजन में मोबाइल फ़ोन हो, तो उस सेल में हम वहाँ उस सेल के अंदर हम क्या करते हैं, एक और सेल को डेवलप कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट माइक्रो सेल, ओके। सेल इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड माइक्रो सेल। ये जो माइक्रो सेल होता है, छोटा वाला सेल, इसका जो रेडियस है ये हाफ ऑफ द ओरिजिनल सेल, मतलब ओरिजिनल सेल के रेडियस के हाफ होता है। अगर इसका रेडियस है आर, तो छोटे वाले सेल का रेडियस क्या हो जाएगा, आर बाई टू, ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, ये होता है फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे सपोज करो स्टूडेंट ये सेल है, ढेर सारा सेल मिलके क्या बनता है, ढेर सारे सेल मिलके बनते हैं क्लस्टर। सो व्हाट इज क्लस्टर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल इज कॉल्ड क्लस्टर। क्लस्टर का शेप साइज कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे एक क्लस्टर लिया है, आप देख रहे हैं मैंने जो डार्क से इसे बाउंड्री पे डार्क कर दी है, ये क्या है, एक क्लस्टर है। इसमें ढेर सारे सेल प्रेजेंट हैं, सारे में एक एक बीटीएस है। अब ये कुछ फ्रीक्वेंसी यूज कर रही है, जैसे ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रही है ए बी सी डी ई एफ और जी। इस क्लस्टर के सारे सेल एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं, ओके। हमने एक फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दिया कि ये जो सेल है ये फ्रीक्वेंसी यूज करेगी ए, ये सेल फ्रीक्वेंसी यूज करेगी बी, एक रेंज प्रोवाइड कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके बगल वाले क्लस्टर में भी सेम फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देंगे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। अब आप इसका फायदा क्या होगा देख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ यूज हो रही थी एक क्लस्टर में, वही फ्रीक्वेंसी फिर से यूज हो रही है दूसरे क्लस्टर में। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी जो यूज हो रही थी एक क्लस्टर में, वो फिर से यूज हो रही है दूसरे क्लस्टर में। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक क्लस्टर में जो फ्रीक्वेंसी यूज हो वो दोबारा किसी दूसरे क्लस्टर में अगर यूज हो जाए, तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज कॉन्सेप्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे स्टूडेंट्स, जो कि होता है मोबाइल हैंड ऑफ। कहीं कहीं किसी किसी बुक में इसे हैंड ऑफ कहते हैं, किसी किसी बुक्स में इसे हैंड ओवर टेक्निक कहते हैं, तो दोनों सेम है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, आप सपोज कीजिए किसी कार में बैठे हुए हैं और आप मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे हैं, आपकी कार क्या हो रही है, चल रही है, और आप एक सेल से दूसरे सेल में आप मूव कर गए। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि आपकी कॉल क्या होती है, डिस्कनेक्ट नहीं होती है, ज़्यादा चांस वो डिस्कनेक्ट नहीं होती है, इसी हम लोग आप जानेंगे। सपोज करो स्टूडेंट आप किसी व्हीकल में हो, किसी कार में हो, और आप इस सेल ए में हैं अभी, ओके, और आपकी जो है ये आपकी व्हीकल मूव कर रही है ऐसे सेल बी की तरफ, ओके। जब आप सेल ए में हो तो आपका बीटीएस ए क्या है, इसके कंट्रोल में है। आपका मोबाइल स्टेशन किसके कंट्रोल में है, बीटीएस ए के कंट्रोल में है, ओके। यहाँ पे बीटीएस टू का कोई यूज नहीं है। जब आप यहाँ पे पहुंचे, इसके बाउंड्री पे पहुंचे, तब क्या होगा स्टूडेंट, इसकी कंट्रोल क्या हो जाएगी, सबसे वीक हो जाएगी, सबसे वीक हो जाएगी। और जैसे ही आप सेल ए से सेल बी में एंटर कर जाओगे, ये
BTS 1 का सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से क्या आएगा, BTS 2 का कंट्रोल आ जाएगा, BTS 2 का कंट्रोल आ जाएगा आपके मोबाइल स्टेशन के ऊपर में। तो इस टेक्निक को कहते हैं हैंड ऑफ टेक्निक। हैंड ऑफ टेक्निक में क्या होता है, आप एक सेल से दूसरे सेल में मूव करते हो तो आपकी जो कंट्रोल होती है मोबाइल स्टेशन की, वो पहले कोई दूसरा BTS कंट्रोल कर रहा होता था, अब कोई दूसरा BTS कंट्रोल कर रहा है। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं हैंड ऑफ टेक्निक। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना था मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।